ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुदा दोस्त के सच्चे दोस्त, बाबा के साथ हमारे अनेक संबंध हैं, उन रिश्तों में एक संबंध दोस्त का संबंध है। जो खुदा दोस्त के दोस्त बन जाते हैं, उनके सभी दोस्त हैं, वो सच्चा मित्र बन जाते हैं, अथवा सच्चे पवित्र बन करके, राज ऋषि बन के विश्वामित्र बन जाते हैं। और सारे विश्व के मित्र वो बनते हैं जो अपने मित्र बनते हैं, जिन्होंने अपने से मित्रता करना सीख लिया, अपने दुश्मन को जीत लिया, तो फिर उनका कोई जग में दुश्मन नहीं है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, आत्मा अपना मित्र है, आत्मा अपना शत्रु है, पर ये मित्रता सिखाने वाला खुदा दोस्त जब खुद आता है, तो हमारा मित्र बनकर पवित्र बनाता है, हृदय को पवित्र शुद्ध बनाता है, और हमारा चरित्र इतना ऊंचा कर देता है जो दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। तपस्या ऐसी ऊंची सिखाते हैं जो सर्प भी गले के हार बन जाते हैं। इसलिए शंकर जी को तपस्या करते हुए दिखाया, पर वो सर्प भी श्रृंगार बन गए, जहर अमृत बन गया, कड़वाहट मधुरता बन गई। इसलिए विकर्मा जीत बनने वाले, विकारों को जीत बनाने वाले विकारों को भी गुणों में परिवर्तन करने वाले, शक्तियों में परिवर्तन करने वाले हैं सच्चे दोस्त। अपना दोस्त बन जाना। बाबा कहते हैं, आज तुम सारी दुनिया के दोस्त हो, सच्चे सच्चे दोस्त। मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो, तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे ये क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो कौन है आप। आज बाबा ने टाइटल दिया फायर ब्रिगेड का, अग्नि को भस्म करने वाले, खत्म करने वाले। तुम सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड हो। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न है, बेड़ा पार हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर मिल गया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं,
याद सहज याद है, सहज योग है। कोई कोई को डिफिकल्ट लगता है, बहुत मूंझते हैं कि हम टाइट स्ट्रिक्ट होकर के बैठे। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कैसे भी बैठो, बाप को सिर्फ याद करना है, इसमें मुश्किलात की कोई बात नहीं है। वो हठ योगी ऐसे टाइट होकर के बैठते हैं, हठ साधना से बैठते हैं, टांग पर टांग चढ़ा करके बैठते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आराम से बैठो। बाप को और 84 के चक्कर को याद करो, यह है सहज याद। उठते बैठते बुद्धि में रहे। देखो जैसे ये छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है ना, क्लास में छोटा बच्चा माँ बाप के साथ बैठा था, इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे। तुम भी तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना तो बहुत सहज है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही वर्षा लेना है। शरीर निर्वार्थ ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो, औरों की याद बुद्धि से निकाल दो, रहो भले कहाँ भी। कोई हनुमान को, कोई किसी को, कोई साधु को याद करते थे, वो याद छोड़ देनी है। याद तो करते हैं ना, अनेक देवी देवताओं को, साधुओं को, महंतों को याद करते हैं। पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, इसमें कहाँ जाने की भी दरकार नहीं है। भल कोई भी मिले, बोलो शिव बाबा का कहना है मुझ एक बाप को याद करो, मैं पतित पावन हूँ। ये तो राइट अक्षर है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम सब पतित हो, ये पतित तमो प्रधान दुनिया है ना, इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। ये तो अच्छी बात है ना। कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते हैं, बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह है योग बल अथवा योग अग्नि। योग अग्नि से, वैसे अग्नि से अग्नि नहीं बुझती, पर वंडर बात यह है, वंडर है कि लगन की अग्नि, प्रभु प्रेम की अग्नि, योग की अग्नि विकारों की अग्नि को शांत कर देती है। कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती हैं, अंग अंग शीतल हो जाता है। परमात्मा की याद अथवा संग तक तपत बुझाए और की करके प्रभु का संग, अपनी तपत भी बुझती है तो दूसरे की तपत भी बुझा देते हैं।
इसलिए बाबा ने कहा तुम सच्चे सच्चे मित्र हो। सच कहते हैं ना, बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना। निराकार गीता का भगवान ही है, गीता का भगवान एक शिव निराकार ही है, कृष्ण की बात नहीं है। भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, और कोई उपाय नहीं है। पावन होकर जाने से ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम पद हो जाएगा। हम तुमको संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूं, यानी हम मैसेंजर हैं। इस समझाने में कोई तकलीफ तो नहीं है ना, हम पिता परमात्मा का मैसेज देते हैं, पीस मैसेंजर हैं, पवित्रता के मैसेंजर हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है ये मैसेज देने में। माताएं अहिल्याएं कुब्जाएं भी ऊंच पद पा सकती हैं, चाहे यहां रहने वाले हों चाहे घर ग्रस्त में रहने वाले हों, ऊंच पद पा सकते हैं। ऐसे नहीं कि यहां रहने वाले जास्ती याद करते हैं। बाबा कहते हैं बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं, यहां भी बाप से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं तो अंदर कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस छीछी दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज हैं, फिर चलेंगे श्री कृष्णपुरी में, कृष्णपुरी को, कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते हैं। तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए ना, जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो। याद कराते हैं बाबा, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना। तुम भी कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे और फिर मिलेंगे। तो अब बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है। अब इस दुख धाम में तो रहना नहीं है, तुम पढ़ते हो सुख धाम में जाने के लिए, सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। मैं आ जाई हूं नई दुनिया की स्थापना करने, बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, मौत के डर से छुड़ाने आया हूं, कालों का काल हूं, सबको शरीर से छुड़ाए और आत्माओं को ले जाऊंगा। कालों का काल, आत्माओं को ले जाऊंगा। सब कहते हैं ना हम जल्दी जाएं, यहां तो रहने का नहीं है, ये तो पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर है। अब बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। सब आत्माएं चाहती है ना घर जाए, अभी किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। तुम सबने बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। भल याद करते रहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं, पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं। फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम,
अब शिव बाबा तो राजा नहीं बनते, राजाई करते नहीं हैं, तो उनको राजा राम कहना रॉन्ग हो गया, निराकार को राजा राम कहना रॉन्ग हो गया। हाँ, राम राज स्थापन करने वाला है, इसलिए राम राज राम कहते हैं, पर राम राजा नहीं। माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं। तो उस समय जब राम राम कहा तो भगवान को याद किया ना, निराकार भगवान को याद करते हैं। भगवान तो है ही शिव। मनुष्यों ने नाम बहुत रख दिए हैं, परमात्मा के भी अनेक नाम, जैसा जैसा गुण का अनुभव किया परमात्मा से वैसा नाम रख दिया। आराम देने वाला इसलिए राम है, इच्छा पूरी करते इसलिए ईश्वर है, भाग्य मनाते इसलिए भगवान है, प्रभु इस धरती से परे ऊपर रहते इसलिए प्रभु है, खुद आता है ऊपर से, ऊपर वाला खुद आता है तो खुदा है, रहम करता है तो रहीम है। ये सब नाम बाबा ने कब मनुष्य आत्माओं ने दिए हैं ना, अनेक नाम दिए हैं। ऐसे श्री कृष्ण के भी अनेक नाम दिए हैं, पुकारते अनेक नामों से अनुभव के आधार पर। कृष्ण को भी श्याम सुंदर, वैकुंठ नाथ, मक्खन चोर आदि आदि नाम दिए हैं। तो क्या सचमुच वो मक्खन मक्खन चुराया था क्या? तुम अभी कृष्ण को मक्खन चोर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम अभी समझते हो भगवान तो एक निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, तो फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट, वैजयंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। माला जो है जिसको वैजयंती माला फेरते हैं, शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उस स्वर्ग के हम मालिक हैं, विजय प्राप्त करने वाले फिर मालिक बन जाते सृष्टि के। जरूर उनसे पहले उन्होंने ये पुरुषार्थ किया होगा ना, उसको कहा जाता है कब पुरुषार्थ किया, संगम युग पर। उसको कहा जाता है कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का संगम, संगम युग या कल्प का संगम युग। ये कल्प का संगम युग है, मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया, क्योंकि सतयुग बोलते हैं ना, सतयुग, फिर त्रेता के साथ युग नहीं लगाते, द्वापर के साथ भी युग नहीं लगाते शब्द, फिर कलयुग के साथ कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो ये दो युगों के बीच में संगम युग पर, कलयुग और सतयुग के बीच में, कल्प के बीच में आते अंत में। मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया, फिर मैं अवतार लेता हूँ, ये भगवान के माँ बाप के भूल, अवतार नाम भी भूल, उनको ठिक्कर भीतर में कण कण में कह दिया। ये भी ड्रामा अनुसार डिफेमेशन, जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा, जो पास्ट हो गया उसको कहते हैं ड्रामा। क्यों? कि व्यर्थ एनर्जी फिर खर्च नहीं करनी है। तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं, कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास्ट हो गया ना, पास हुआ, उसका चिंतन नहीं करना है। अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोला, तुम भूल जाओ,
थोड़ा तुमको ऐसे शब्द बोल दिए जो कम ज़्यादा मान अपमान के भूल जाओ। कल अब पहले भी ऐसे बोला था, क्यों भूलना ज़रूरी है? क्योंकि अगर याद रखेंगे तो बिगड़ते रहेंगे, गुस्सा आता रहेगा, मन दुखी होगा, बिगड़ अवस्था बिगड़ेगी ना, बिगड़ते रहेंगे। रिपीट भी नहीं करो ये बात, फिर कभी बोलो भी नहीं इसने ऐसा किया, इसने ऐसा बोला। तुम बच्चों को तो सर्विस करनी है ना, सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है ना, उसमें जरा भी ना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाप के मददगार नहीं बने, सॉरी, बाप के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है। हम खुदाई खिस्मतगार हैं तो पूरा खिस्मत अथवा मददगार बनना है। जरा भी सर्विस में ना नहीं करनी, बाप की सर्विस करने में जरा भी धोखा नहीं देना है। पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाप कहते रहते हैं म्यूजियम का नाम ऐसा रखो, ये 60s में बाबा म्यूजियम के लिए इंस्पायर करते थे, 1960 मिड 60 अंत तक म्यूजियम बनाओ। एग्जीबिशंस बहुत हुई थी उससे पहले, फिर अभी म्यूजियम पर जोर था। तो म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य अंदर घुसे और आकर समझे कि ये कोई नई चीज है ना, गेटवे टू हेवन कभी कहते थे, कभी सुखधाम। मनुष्य कोई नई चीज देख अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन राजयोग सीखने। अब प्राचीन अर्थात पुराने ते पुराना, वो कौन सा योग है? पुराने ते पुराना प्राचीन, वो तो भगवान का ही सिखाया हुआ है ना, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। ये पतंजलि योग तो बाद में है, बीच में सतयुग त्रेता तो योग सिखाए सीखने की जरूरत ही नहीं थी। तो 5000 वर्ष पहले सतयुग त्रेता में तो योग होता नहीं, जो 5000 वर्ष पहले सिखाया वो चला गया, फिर 5000 वर्ष के बाद वो चलता ही आया, उसका फल हमने सतयुग त्रेता में पाया ना। जिसको 5000 वर्ष हुआ, अब फिर 5000 वर्ष बाद तभी आए हैं, वो योग समाप्त हो गया, प्राचीन योग भूल गया। फिर जब 5000 वर्ष बाद आवे तभी तो आकर के योग सिखाए। तो प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था, वही भगवान फिर संगम पर आकर, वही भगवान निराकार जिसने सिखाया था वही आकर फिर राजयोग सिखाएंगे, जिससे हम पावन बन सकते हैं। ये संदेश मनुष्यों को देना है अथवा समझाना है, ना केवल मनुष्यों को भगवान आके पावन बना रहे हैं। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है, पानी भी कितना नुकसान कर देता है, उपद्रव होते रहते हैं पुरानी दुनिया में, सतयुग में उपद्रव की बात ही नहीं है। वहां तो प्रकृति दासी बन जाती है, वहां प्रकृति दासी है, यहां प्रकृति क्या बन गई है?
दुश्मन बन के दुख देती है। सतयुग में दासी होती है, प्रकृति भी दासी है। इस लक्ष्मी नारायण के राज, इन लक्ष्मी नारायण के राज में दुख की बात ही नहीं थी, सतयुग था। इसलिए वैकुंठ स्वर्ग जितने भी नाम है, कोई कुंठा नहीं, कोई चिंता नहीं, सतयुग था। अभी फिर वो फिर से स्थापन हो रहा है। बाप प्राचीन राजयुग सिखा रहे हैं, फिर 5,000 वर्ष के बाद सिखाएंगे। जिसका पाठ है वही बजाएंगे। जिन्होंने 5,000 वर्ष पहले अपना पाठ प्ले किया वही फिर प्ले करेंगे, फिर वही श्री लक्ष्मी नारायण का राज होगा। और बेहद का बाप ने भी पहले पाठ प्ले किया 5,000 वर्ष पहले, फिर आके पाठ प्ले कर रहे हैं। बेहद का बाप भी पाठ बजा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें यानी ब्रह्मा तन में प्रवेश कर वैकुंठ स्वर्ग स्थापन करने आने हैं। हम ओनली गॉड फादर हेवन स्थापन करने हैं। इनमें प्रवेश करके स्थापना करके चला जाता हूं। फिर हाहाकार के बाद फिर विनाश, पुरानी दुनिया का विनाश। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाती है। पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ये विनाश के बाद, हाहाकार के बाद पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जय जयकार वाली दुनिया श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो पुरानी दुनिया नहीं थी। ये 5,000 वर्ष पहले की बात है, लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। तो बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़ इस सर्विस में लग जाओ, अपना कल्याण करने, सेवा में अपना कल्याण समाया है, सर्विस में लग जाओ अपना कल्याण करने। तो बाबा ने कहा सर्विस में धोखा नहीं देना है। सेवा करते करते रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, फिर आपस में कुछ अनबन हुई, रूठ गए, अपनी सेवा की जिम्मेवारी नहीं ली तो धोखा हो गया ना। रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। यह ईश्वरीय सर्विस है। माया के तूफान बहुत आएंगे तो वो टेस्ट में फेल नहीं होने ना। ये भी एक परीक्षा है। जब संगठन में सेवा करते हैं, संस्कारों का खेल चलता है, तो उसमें क्या प्ले करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु ये तो बाप की ईश्वरीय सेवा है। इसमें धोखा नहीं देना है। बाप सर्विस डायरेक्शन तो देते रहते हैं ना। मित्र संबंधी जो भी आए, तुम सबके सच्चे मित्र हो। सच्चे मित्र तो तुम हो। जब मित्र संबंधी कहते हैं तो रूहानी रिश्ता तो सच्चा रिश्ता है। सच्चे मित्र संबंधी तो तुम हो। सारी दुनिया के तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सारी दुनिया के मित्र हो। सारी दुनिया के मित्र कौन बनते हैं? जो सच्चे मित्र के मित्र बनते हैं, खुदा दोस्त की सेवा में मददगार बनते हैं। सारी दुनिया के मित्र तो क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए, मित्रता में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए।
कोई भी बात निकले बोलो, शिव बाबा को याद करो। कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई सिचुएशन है, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करो, एक मिनट साइलेंस में टिक जाओ। ये बाबा ने विधि बताई है ना। अब तो बहुत कई प्रकार के साधन निकले हैं। कोई भी बात निकले, यानी आपस में कभी कोई ऐसी बात जिसमें आर्ग्यूमेंट हो गई, थोड़ा हीट जनरेट हो रही है, बोलो शिव बाबा को याद करो। बाप की श्रीमत पर लग जाना है, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। फिर है कहाँ पर भी जाते सेवा करनी है, ट्रेन में तुम जाते हो वहाँ तो सब फ्री हैं, ट्रेन में बैठे हैं, खाली बैठे हैं ना, टाइम है सबके पास, सर्विस का बहुत अच्छा चांस है, बैज तो बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक को लगा के रखना है। बाबा कहते हैं छाती पर लगा रहे, दिल में बिठाओ बाबा को और बाहर से दिखाओ तो देख के पूछेंगे, दिल में बैठा होगा तो उसकी रौनक बाहर भी दिखाई पड़ेगी, पूछेंगे क्या लगाया है। बैज तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा चांस है सर्विस का। तो कोई पूछे आपको ये आप कौन हो, यानी क्योंकि बैज तो कोई ना कोई डिग्री वाले को होता है ना, चाहे मिलिट्री के हैं या कोई भी स्पेशल जॉब के हैं, पोजीशन वाले होते हैं तो बैज होता है, लेबल होता है कोई, तो कोई पूछे आप कौन हो, तो बोलो हम फायर ब्रिगेड है। जैसे वो फायर ब्रिगेड होता है ना आग को बुझाने के लिए, तो सारी सृष्टि में काम अग्नि में सब जले हुए हैं। अब बाप कहते हैं काम मां शत्रु पर जीत पाओ, बाप को याद करो, बाप को याद करो, पवित्र बनो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यानी जो बाप की याद में रहेगा, गुण धारणा होंगे, व्यवहार ऐसा होगा तो चरित्र कितना और चित्र कितना सुंदर होगा। ये बैज श्रीमत से ही बने हुए हैं, बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैज पर सर्विस करते हैं। बाबा मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं, हर एक ब्राह्मण के पास ये बैज होना चाहिए, कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है। तो बाबा कहते थे समझाओ इस पर, त्रिमूर्ति पर और श्री लक्ष्मी नारायण पर, ये बाबा है उनको याद करना है, बाबा और वर्षा। बाबा हमेशा कहते थे ये है वर्षा और ये है फिर बाप, किस प्रकार से स्वर्ग की बादशाही देते हैं, ये बाप और वर्षे का चित्र है, मनमना भव और मध्याजी भव का चित्र है। हर एक ब्राह्मण के पास बैज होना चाहिए। हम साकार की महिमा नहीं करते, सर्व का सदगति दाता एक ही निराकार बाप है, उनको याद करना है। वो निराकार परमात्मा शिव का चित्र ऊपर है, याद के बल से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी, दुख दाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। पाप की याद से पाप कट जाएंगे, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। याद में जाएंगे तो पहले घर जाएंगे,
विकर्म विनाश होंगे, दुख धाम से छूट जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आ जाएंगे। तो कितनी बड़ी खुशखबरी है, ये खुशखबरी सबको देनी है। लिटरेचर भी दे सकते हो तुम, गरीब हो तो फ्री दे सकते हैं। और जो शाहूकार है उनको तो समझ, बाबा ने कहा समझदार जो होंगे ना, आप पे ही कहेंगे आप छपाते हो, खर्चा होता है, तो पैसे दे के बेशक ले सकते हैं। शाहूकारों को पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत छपाने होते हैं ना, तो इसलिए वो ऑफर करते हैं। तो फिर गरीब है बेचारा, फ्री ले लेवे। शाहूकार है, पुण्य का काम करें, औरों के लिए भी छपाने के लिए देवे। ये चीज़ ऐसी है जब तुम फकीर से विश्व का मालिक बन जाओगे। गरीब को दिया कि ये ऐसी वंडरफुल चीज़ है, इसको धारण किया, समझ लिया, तो फकीर से अमीर बादशाह बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। समझानी तो मिलती रहती है ना, कोई भी धर्म वाला हो, बोलो क्या क्या याद कराओ। तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अब विनाश सामने खड़ा है, ये दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे। समझे ना, वैकुंठ का द्वार खोलने का ये साधन है, चाबी है। ऐसा लिटरेचर दे के समझाना चाहिए। बोलो ये हम आपको करोड़ों पद्मों की चीज देते हैं, खाली पर्चा नहीं है ये, एक लीफलेट नहीं है, करोड़ों पद्मों की चीज देते हैं। बाबा ने कितना समझाया है, बैज पर सर्विस करनी चाहिए, परंतु बैज लगाते नहीं है, लज्जा आती है, कोई संकोचवश नहीं लगाते। ब्रह्मियाँ जो पार्टी लेकर आती हैं, अथवा कहाँ ऑफिस आदि में अकेली जाती हैं, तो ये बैज जरूर लगा रहना चाहिए। टीचर्स को तो बैज जरूर लगा रहना चाहिए। जिसको तुम इन पर समझाएंगे वो खुश होंगे। बोलो हम एक बाप को ही मानते हैं, वो सब कुछ को, सबको शांति देने वाला, सुख शांति देने वाला है, सब कुछ देने वाला है। उनको याद करो। पतित आत्मा तो वापस जा ना सके, अब ये पुरानी दुनिया है, दुनिया बदल रही है, ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते आना चाहिए। ट्रेन में तुम्हारा नाम बाला होगा। बाबा समझते हैं कोई अगर सर्विस नहीं करते तो बाबा समझते हैं शायद लज्जा आती है जो बैज पहनकर सर्विस नहीं करते। तो एक तो बैज लगा हुआ होना चाहिए, दूसरा सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, ये चित्र साथ में हो। तो बाबा ने युक्ति बताई थी, पार्टी लेके आती हो ना तो आपस में एक दो को समझाना शुरू करो, आपस में बैठ दो के एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, पूछेंगे ये क्या है। बोलो शिव बाबा इनके द्वारा ये नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो। बताया ना, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। अपवित्र तो वापस जा नहीं सकते, ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो सब खुशी से सुनेंगे। और बराबर बहुत ऐसे अनुभव हैं कि कभी रात की ट्रेन से भी जाना होता था,
मुझे याद है मैं अकेली थी, दिल्ली से नांगल जा रही थी और वो मेरा फर्स्ट जर्नी थी इतना दूर अकेली जाने की। मधुबन तो आते जाते थे तो ग्रुप के साथ ही जाते थे, तो रात को 11 बजे की ट्रेन थी दिल्ली से। 11 बजे से सवेरे तब तक तब पहुँचे, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा। मैं चित्र तो लेके गई थी साथ, सारी रात ये सत्संग चला, बहुत अच्छा लगा। अपनी सेफ्टी भी थी, बाबा साथ था, सेवा साथ थी। तो लास्ट में तो सबने, जब तक कोई सब जिसका जिसका स्टेशन आया वो उतरे, परंतु जो लास्ट तक थे तो ऐसा लगा जैसे कुछ लेके जा रहे हैं, जो जाते थे वो भी कुछ लेके जा रहे हैं, धन्यवाद कह के जा रहे हैं पर लेके जा रहे हैं। तो ऐसे सर्विस करते करते खुशी से सब सुनेंगे, परंतु कोई की भी बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा कहते ये सेवा करो, ये बैठो, जैसा डायरेक्शन बुद्धि में बैठना चाहिए। सेंटर पर क्लास में आते हो तो भी बैज लगा रहे, मिलिट्री वालों को भी ये बैज लगा रहता है ना, उनको कभी लज्जा आती है क्या, शर्म आती है क्या कभी मिलिट्री वालों को अपनी पोजीशन का बैज लगाने की? तो तुम भी तो रूहानी मिलिट्री हो ना। बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर अमल में क्यों नहीं लाते? बैज लगा रहे तो शिव बाबा की भी याद रहेगी, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, कोई ना कोई निकल आएंगे, कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है, वहाँ रहते हैं, अगर नहीं है तो कहते हम जाए, हम ज्ञान सुना। तो फिर बाबा कहते हैं उनको बोलो कोई प्रबंध करे मकान आदि का, निमंत्रण दे तो हम आके सर्विस कर सकते हैं। हिम्मत हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। बाप तो बच्चों को ही कहेंगे ना, सेंटर खोलो, सर्विस करो, ये सब शिव बाबा की दुकान है ना, बच्चों द्वारा चला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी आपस में रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना है। विघ्न रूप नहीं बनना है। अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, यानी ये कमजोरी प्रकट हो गई ना, अगर वायदा करके कह के सहयोग नहीं दिया। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सेकंड पॉइंट, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हो गया, पास्ट हो गई वो बात, उनका चिंतन नहीं करना है। कोई से कम, कोई ने कम जास्ती बोला, उनको भूल जाओ, उस बात को ही भूल जाओ। कल पहले भी ऐसा हुआ था, वह बात फिर कभी बोलो ही नहीं, ये भी नहीं बोलो अरे कल पहले भी होगा, फिर कल पहले बाद ऐसे होगा, नहीं, कंप्लीटली भूल जाओ। ये तो ज्ञान है कि कल के बाद होगा, तो एक कल 5000 साल में उसकी चिंता कर क्यों करें जो 5000 साल के बाद होने वाला है। जैसे कल पहले वाला भूल गया, ये भी भूल जाना है। वरदान, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों को रहम दिल बन
समा लेने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की कोई बीती हुई कमजोरी की बातें कोई तुमको सुनाए तो तुम शुभ भावना से किनारा कर लो, उसमें इंटरेस्ट नहीं लो। मतलब शुभ चिंतक वन शुभ भावना से किनारा कर लो, क्योंकि ये कमजोरी की बातें हैं। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में चलनी नहीं चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभालो, समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा करता है, कहता है या सुनता है, तो उसे परिवर्तन करो। एक से दो तक, दो से तीन तक, ऐसे व्यर्थ की माला ना हो जाए। ऐसे नहीं कि मणके से मणका और जुड़ाते जाओ, वो धागा आगे और बात औरों को सुनाते जाओ बातें। नहीं, दो से तीन तक, ऐसे एक से दूसरे तक ये माला ना हो जाए व्यर्थ चिंतन की। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। स्लोगन, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। ओम शांति।